अस्सलाम वालेकुम शेख वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे फर्ज नमाज में जो भी हम दुआए इस्तिफ्ता पढ़ते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा बाइद बैदिन अल्लाहुम्मा बाइद बैनी या सुबहानक अल्लाहुम्मा, तो इन दुआओं के बाद क्या हम ये दुआ पढ़ सकते हैं, जैसे अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाहि बुकरतम व असीला। जी बहन का सवाल यह है कि नमाज के अंदर एक से ज्यादा दुआए इस्तिफ्ताह क्या पढ़ सकते हैं कि नहीं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआए इस्तिफ्ताह, दुआए सना जिसको आप कहते हैं, दुआए सना के कई सारे सेगे हैं। जैसे एक दुआ जो आपने बताया, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, या इसी तरह से सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका, ये एक दुआ है, और भी इसके अलावा दुआएं हैं। तो सही बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नमाज में एक ही दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ना साबित है। हालांकि कुछ उलमा ने इसकी इजाजत दी है कि एक से ज्यादा दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका सबूत नहीं मिलता है। इसलिए आप एक ही दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ें, बस ये कोशिश करें कि कभी इसको पढ़ें, कभी दूसरे को पढ़ें, कभी तीसरे को पढ़ें, तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन एक ही दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ें। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी सिस्टर शहनाज़, तो शेख मतलब ये तीसरी वाली जो दुआ है ये हम पढ़ सकते हैं, ये जो अल्लाह अगर अल्लाह अकबर कबीरा वाली है। आप एक ही पढ़ें, या तो इसको पढ़ें या तो जो आपने पहले जिक्र किया उसको पढ़ें,